हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें हम लोग शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 12, वांटेड ऑफ वैम्पायर। मे बी ये एपिसोड हमारा लास्ट होगा इस सीरीज़ का, और अगर आज ही सारा कंप्लीट हो गया तो इसका सेकंड पार्ट मैं नहीं बनाऊंगी, और अगर कुछ पेंडिंग रह गया तो मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा। चलें हम लोग शुरू करते हैं कि लास्ट एपिसोड में हुआ क्या था। लास्ट एपिसोड में गुडी पर्सन ने सारे जो हैं मोहन के फ्रेंड को जॉन के हवाले कर दिया था। जॉन उन सबको लेकर वापस अपनी सिटी चाइना में ले आता है और उनको एक जगह किडनैप करके रखता है। तभी सडन जब उन सबसे बात कर रहा था, कुछ वैम्पायर्स ह्यूमन ब्लड की स्मेल करते हुए उस रूम में आ जाते हैं, और जॉन बड़े ही ध्यान से इन सबको कंट्रोल करते हुए उन सबको यहाँ से ले जाता है और उनको लॉक कर देता है। सीन शिफ्ट होता है वहाँ मोहन पर, जहाँ पर उसे ढूंढता हुआ हुडी पर्सन मोहन को मिल जाता है, और मोहन को वो एक फैक्ट्री में पाता है जहाँ पर वो किसी पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो तीन ह्यूमंस को पकड़ के लेके आई थी। वो ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन थे, बल्कि वो एक क्रिमिनल थे जिनको वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ करती है। वो किसी भी नॉर्मल पर्सन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। ये क्रिमिनल थे जिन्होंने काफ़ी मर्डर और चोरियाँ की हैं, जिनको वो सिटी से पकड़ के लेकर आई थी ताकि वो इन सबको सजा दे सके और उसका एक्सपेरिमेंट वाला काम भी हो सके। तो वो इन तीनों को ही चूज़ करती है। फैक्ट्री में उसने एक जगह तीनों को बांध के रखा हुआ था, जहाँ पर वो ए बी सी तीनों केमिकल जो उसने बनाया था टेस्ट करने वाली थी। तभी ऊपर से छत पर से जंप करता है हुडी पर्सन, जो मून को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचा था। तभी वो कहता है कि मोहन स्टॉप इट, ये तुम क्या कर रही हो, इससे ये लोग और स्ट्रांग हो जाएंगे। मोहन जो है हुडी पर्सन को देखकर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि इसने वीडियो में इसे ही देखा था कि जो उसके सारे फ्रेंड्स को किडनैप करके लेके गया था। हुडी पर्सन के साथ वो फाइट करना शुरू करती है। तभी हुडी पर्सन उसे बताता है कि तुम्हारे साथ मुझे भी जॉन ने हिप्नोटाइज कर लिया था, जिसकी वजह से मैं भी उसके कंट्रोल में था, और मुझे बाद में पता चला कि ये सब मैं कर चुका हूँ, और जब मैं वापस उस कासल में आया तो आप लोग वहाँ नहीं थे। तभी वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और दोनों मिलकर जॉन और ली के साथ मुकाबले के लिए तैयार होते हैं। तभी वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगेन ए बी सी केमिकल को तैयार करते हैं, जिसको बनाकर वो लोग इन तीनों पर वापस से टेस्ट करेंगे। मून ऑलरेडी इन तीनों को इंजेक्शन लगा चुकी थी, जिससे ये लोग वैम्पायर बन चुके थे, और अब वो ए बी और सी का टेस्ट करके ही वो प्रॉपर इनको चेक कर सकते हैं। इन लोगों ने हर पर्सन को ए बी और ए बी इंजेक्शन लगा दिया था। सिंगल सिंगल इंजेक्शन के बाद एक एंड वाले पर्सन को उसने ए बी दोनों इंजेक्शन लगाए थे, जो कामयाब रहते हैं। बाकी ए और बी इंजेक्शन वाले उसी टाइम मर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो जाकर मुकाबला करते हैं, जो ली का एक दूसरा कासल बन चुका था। हॉस्पिटल में ली ने प्रॉपर कंट्रोल कर लिया था। डीन और उसकी असिस्टेंट मिल्की को मारकर अब वही था जो इस पूरे हॉस्पिटल को कंट्रोल कर रहा था। उसने सारे पेशेंट्स को वैम्पायर बना दिया था। ये देखकर मोहन काफ़ी परेशान होते हैं। वो अपने साथ कुछ केमिकल की वो बोतल जो उन्होंने बनाया था लेकर आई थी, और वन बाय वन करके सारे पेशेंट को वो केमिकल लगा देते हैं, जिसकी वजह से अब वो नॉर्मल हो चुके थे। इससे जो ली की स्ट्रेंथ थी वो ब्रेक हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है फैक्ट्री में, जहाँ पर वो अगले दिन मॉर्निंग में हॉस्पिटल से आने के बाद थोड़ी पर्सन अपना राज मोहन को बता देता है, और वो कोई और पर्सन नहीं लुका था, जिसको देखकर वो काफ़ी स्माइल करती है और उसे हग करती है। सीन शिफ्ट होता है अब वापस से कासल में ली के और जॉन के पास, जहाँ पर दो दिन बाद वो आके मोहन के सारे फ्रेंड्स को पास आता है, उनको बताता है कि आज आखिरी दिन है, आज फुल मून नाइट है, यानी कि आज जो है मोहन प्रॉपर वैम्पायर बन जाएगी और वो हमारी टीम में शामिल होगी, और हम तुम सबको मारकर अपने फादर का ड्रीम पूरा करूँगा और इस दुनिया पर राज करूँगा। वो मेरी क्वीन होगी और मैं उनका किंग। अब आगे उन सबसे बात करने के बाद वो के जॉन जो है लॉक करके चला जाता है। वो सब उठकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अब क्या होगा, क्या मोहन वाकई वैम्पायर बन चुकी है, क्या वो हमें बचाने नहीं आएगी। ये सब उनके माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे। तभी स्टार जो है सबको इतने टेंशन में देखकर कहती है, कम ऑन टी लियो कवर मॉस्की, आप लोग जानते हो जॉन
मोन को, वो हमें इस तरह नहीं छोड़ेगी। रही बात इस जॉन की और ली की, मुझे पता है कि मोन जैसे आएगी ये सब उसी टाइम उन सबको मार देगी और हमें बचा लेगी। आप सब टेंशन न लो और हम लोग उसकी हेल्प के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि आप जानते हो हम लोग थर्ड फ्लोर पे हैं, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे इतने वैम्पायर हैं कि इन सब से लड़ते लड़ते काफ़ी टाइम हो जाएगा। मुझे लगता है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, इसके लिए उनको काफ़ी पावर चाहिए होगी। तभी वो ट्राई करते हैं अपने हाथ को खोलने की, बट कोई नहीं खोल पाता। अचानक से उन सबको आवाज़ आती है अगेन दरवाज़ा खुलने की, तो वो सब फिर से चुप हो जाते हैं और वो देखते हैं दरवाजे की तरफ। वहाँ कोई और नहीं, हुडी पर्सन था जो दरवाजे को खोलकर उनके पास आता है और स्माइल करते हुए कहता है, आप सब यहाँ पर हो और मोन आप लोगों को काफ़ी दिनों से फाइंड कर रही है। उनको पता चल चुका है आप लोगों के बारे में कि आप सब यहाँ इस कासल में हो। वो बहुत जल्दी आएंगी आप सबको बचाने के लिए, तब तक ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ, आप ये सब ले लो। वो उनके हाथ खोलता है और आकर उन सबको खाने के लिए कुछ देता है और पीने के लिए भी। वो सब खाने पीने के बाद फौरन से कहते हैं, ठीक है हाँ हम लोग मोन का वेट नहीं कर सकते, आप हमें ले जाओ ताकि हम लोग इकट्ठे मिलकर इन सब से फाइट कर सके। तभी वुडी पर्सन कहता है, नहीं हम सब इकट्ठे नहीं जा सकते, यहाँ पर इतने वैम्पायर हैं कि इस रूम से बाहर कदम रखते ही आप सब की जान खतरे में ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस रूम में आप फिर भी सेफ हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी की भी जान जाए या कोई भी और वैम्पायर बने। तभी हुडी पर्सन की तरफ सब शॉक्ड होकर देखते हैं, कहते हैं, अच्छा अगर हमारी जान को इतना खतरा है तो आप भी तो ह्यूमन ही हो ना? यह नहीं, ये सब शॉक्ड होकर स्टार ये उस हुडी पर्सन से पूछती है। हुडी पर्सन कहता है, ये आप सबका मैटर नहीं है, आप सब जैसा कहा है वैसा करो, आप अगेन जाकर कुर्सी में बैठ जाओ और अपनी गांड को पीछे की तरफ हाथ हल्के से बांध लो। और एक कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दे के जाता हूँ, इन केस अगर मोहन आपको बचाने ना आए तो आप इसको अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वो अपने साथ एक गन जिसमें इंजेक्शन थे जिससे वैम्पायर को मारा जा सकता है, और एक बड़ा नेल यानी कि एक बड़ा कील टाइप जिसमें पुराने ज़माने से वैम्पायर को मारा जाता था उसके दिल पर वार करके, कुछ वो और कुछ गन इंजेक्शन वाली लाकर उनको देता है और कहता है कि ये आप सब के लिए, आप सब मैन जो हो ये बड़ा नेल ले लो। वो कवर मोस्की और टी को बड़ा नेल दे देते हैं तीन, और जो रही बात लियो और स्टार है उनको वो दो दो गन पकड़ा देता है और कहता है कि ये आप सबकी सेफ्टी के लिए, एक गन में तीन इंजेक्शन है यानी कि आप एक गन तीन बार यूज़ कर सकते हो, इसलिए आपको दो गन दे रहा हूँ, कम से कम 6 वैम्पायर को मारकर आप लोग अपनी सेफ्टी कर सकते हो। और रही बात आप तीनों की, आप कवर मोस्की और टी आप लोग आगे रहोगे, इन केस अगर कोई भी ऐसा खतरा हुआ तो आप सब इस तरह अपनी जान बचाओगे। और रही बात यहाँ से निकलने की, आप कोशिश कीजिएगा कि कोई विंडो से ही यहाँ से निकल जाओ, ग्राउंड फ्लोर पे आने की हिम्मत मत करना क्योंकि इस बिल्डिंग में इतने वैम्पायर हैं कि आप लोग मुश्किल से ही यहाँ से जा सकोगे। ये कहकर वो बिना कुछ सुने बिना कुछ बोले अगेन रूम से बाहर चला जाता है और बाहर से लॉक कर देता है। सब लोग शॉक थे कि आखिर ये पर्सन कौन है, क्या ये वही पर्सन है जो हेवन में था जिसने कई बार हमारी मदद की थी, या ये हुडी पर्सन कोई और है। स्टार उसी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में देखकर वो काफ़ी टेंस होती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये हुडी पर्सन नहीं है जिन्होंने उस हेवन में हमारी हेल्प की थी। तभी वो टी से कहती है, टी ये वो पर्सन नहीं है, ये वो पर्सन नहीं है जिन्होंने हमारी हेवन में हेल्प की थी, ये कोई और है, कोई और उनके गेटअप में हमारे पास आया और हमें ये सब कुछ देकर गया। आखिर वो कौन हो सकता है, ये सबके लिए एक क्वेश्चन मार्क था, सब काफ़ी शौक थे। पर टी कहता है, जो भी है ये हमारी हेल्प कर रहा है, जैसे उसने कहा हम सब वैसा ही करेंगे। वो सब कुर्सियों पे वापस बैठ गए थे, अपने हाथों को हल्का सा बस शो करने के लिए बांधा हुआ ताकि सबको लगे कि अभी भी हाथ बंधे हुए हैं, ताकि वो नॉर्मल रहे, इनकेस अगर उनको कोई भी खतरा लगा तो अपनी सेफ्टी को वो प्रियोरिटी देंगे। ये सब सोचकर वो ऑलरेडी हर चीज़ प्लान कर चुके थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कासल के बाहर मोन और उसका फ्रेंड लुका पहुंच चुका था, दोनों ने सेम गेटअप लिया हुआ था, दोनों ही हुड पहन कर आते हैं। ऑलरेडी कासल में ली जॉन और उसके सारे जो हैं वैम्पायर फोर्स मौजूद थी क्योंकि ली जान चुका था
उसकी जो स्ट्रेंथ थी उस पर मोन ने ऑलरेडी वार करके उसे कमज़ोर कर दिया था। जब ली को पता चला कि सारे वैम्पायर जो उसने बनाए थे हॉस्पिटल में ठीक हो चुके हैं, इंसान बन के वो सब कुछ जा चुके हैं, हॉस्पिटल पूरा खाली था, इस बात से ही वो जान चुका था कि मोन ने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मोन के अलावा कोई और ऐसा पर्सन नहीं जो ऐसा काम कर सके, तभी वो जान चुका था। इसलिए उसने ऑलरेडी जॉन को इंस्ट्रक्शन दी थी कि सारे जो हैं वैम्पायर फोर्स को इसी कासल में जमा कर लो, और वो भी इसी कासल में मौजूद था। रात होना शुरू हो चुकी थी, शाम के कोई 6 बजे थे, सारे वैम्पायर ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर आ चुके थे। थर्ड फ्लोर पर उसने जॉन और ली थे, जहाँ पर उसने उसके बाकी फ्रेंड्स को रखा हुआ था। जॉन जो है काउंटडाउन लगाता है 4 घंटे का, यानी कि ठीक 10 बजे के बाद मॉन जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने लगेगी। तब तक बस हमें मॉन को कंट्रोल करके रखना होगा, क्योंकि मॉन काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी। मॉन ही नहीं बल्कि ली और जॉन भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुके थे। ये सब कुछ सिर्फ 4 घंटे के लिए रहने वाला था, 6 से 10। इसी वजह से जॉन जो है टाइमर लगाता है, बट मॉन जो है बॉर्न वैम्पायर है, और ऊपर से वो पावर इंजेक्शन डबल डोज जो जॉन ने उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया था उससे वो सुपर स्ट्रांग बन चुकी थी। जब भी वो बिल्डिंग के सामने आती है तो हुडी पर्सन अपने हुड में उसकी तरफ देखता है और कहता है, मॉन इन केस अगर तुम्हें ज़रा भी लगे कि तुम्हें कोई भी हंगर हुआ है तो ट्राई करना कि तुम थर्ड फ्लोर पे ना जाओ, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे ही रहना। थर्ड फ्लोर पे अगर तुम गई तो और आउट ऑफ कंट्रोल होगी, तो शायद मुझे नहीं पता कि तुम अपने दोस्तों के साथ फिर क्या करोगी। हुडी पर्सन को वो नोट करते हुए कहती है, ठीक है आप ये इंजेक्शन ले लो, इन केस अगर मैं ज़्यादा स्केरी और आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो आप मुझे फिर देख लेना। ये कहकर वो भागते हुए कासल के अंदर चली जाती है। कासल की एंटर होते साथ ही रूम में जब वो देखती है वहाँ पर इतने सारे वैम्पायर थे जितने के पूरी सिटी के लोग। उसने अपनी सारी वैम्पायर टीम को ली और जॉन ने यहाँ जमा कर रखा था, और ली जो है और जॉन कैमरे से सब कुछ मॉनिटर करते हैं। एक मॉनिटर रूम में बैठकर स्माइल करते हुए ली जो है कहता है, वेलकम मॉन वेलकम, अब देखते हैं कि तुम्हारी जो पावर है वो इन सब का मुकाबला कैसे करती है। यहाँ पर 500 अबव वैम्पायर हैं, जो इनमें से कोई एक भी सुपर स्ट्रॉन्ग निकला तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, और अगर आपकी स्ट्रेंथ इनसे भी ज़्यादा है तो आई एम नॉट सरप्राइज, मैं जानता हूँ कि आप पॉन वैम्पायर हो, इसलिए आप जो है इस फुल मून नाइट में जो कई टाइम बाद इस बार आई है सुपर स्ट्रॉन्ग हो। स्माइल करते हुए ये सब वो अपने आप से बात कर रहा था और कंटिन्यू स्क्रीन की तरफ देख रहा था। मॉन जो है बहुत स्ट्रांगली सबसे फाइट करती है, ली जो है बस उसके पीछे रहता है। ली किसी भी वैम्पायर से फाइट नहीं करता, क्योंकि मॉन उसे चांस दे तो ही ना। मॉन अपनी सुपर स्पीड का और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वन बाय वन करके सबकी बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट करती जाती है और उनको ह्यूमन नॉर्मल बनाने में कामयाब होती है। जैसे ही वो बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट करती है वैम्पायर के, वो उसी टाइम गिर जाते हैं, और जो हुडी पर्सन लुका है वो उन सबको साइड पर लटाने पकड़ के लटा देता है, उनको साइड पर हटाने का काम करता है। मोन अपनी सुपर स्पीड से वन बाय वन करके सबको क्लियर करती जाती है, ऑलमोस्ट आधा फ्लोर क्लियर हो जाता है। ये देखकर ली जो है शॉक्ड होता है, कहता है, ओ माय गॉड, इनको आए हुए सिर्फ 2-3 मिनट हुए हैं और इन्होंने आधे से ज़्यादा फ्लोर खाली कर दिया, मतलब ये सुपर स्ट्रॉन्ग है, मुझे कुछ करना होगा। तभी वो एक कॉल करता है और लैब अटेंडेंट को, उस वैम्पायर को जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसे सुपर स्ट्रॉन्ग बनाया था, रिमेंबर, जिसको लैब अटेंडेंट को इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसकी रूम की लाइट ऑन नहीं करना और उसको एक स्पेशल सेल में रखा हुआ था। तभी वो ली कहता है, इसको अभी से वक्त मेरे मॉनिटर रूम के बाहर बाहर पॉइंट करो उसे। सारे जो हैं बच्चे कुचे वैम्पायर सेकंड फ्लोर के जो लैब में काम कर रहे थे वो वैसे ही करते हैं। उस स्पेशल केस को जो स्पेशल में हाइब्रिड वैम्पायर बनाया था उसको बुला कर मॉनिटर रूम के सामने ठीक जंजीरों से बांध देते हैं। वो इतना स्ट्रांग था कि तकरीबन 2 से 3 जंजीरों से उसको बांधा हुआ था ताकि वो वहीं रहे,
वो सिर्फ मॉनिटर रूम के सामने बांधते हैं ताकि वो सब जो है यहाँ से उस रूम में दाखिल ना हो सके और मोहन जो है जॉन के पास, ली के पास ना जा सके। तभी ली अगेन लैब अटेंडेंट को कॉल करके कहता है कि इसकी बॉडी में वो थर्ड इंजेक्शन जो मैंने कहा था वो भी एंटर कर दो ताकि ये सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाए और उसके बाद यही मेरी हेल्प करेगा इस पूरी दुनिया पर राज करने में। स्माइल करते हुए वो देखता है, तभी वो नोट करता है उस मैजिक बॉल को जो मोहन के बैग के एक बैग था जिसमें वो ऐड किया हुआ था और वो चमक रहा था क्योंकि आज फुल मून नाइट है तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सुपर स्ट्रांग होने के बाद जो मैजिकल पावर है वो सब शाइन करते हैं। तो अभी भी ऐसा ही होता है, तभी वो कोर्ट से देखता है, कहता है जॉन वो मोहन के बैग में वो मैजिक बॉल है जो इस वक्त शाइन कर रहा है, तुम जाओ जल्दी से जाकर वो लेकर आओ, मुझे वो चाहिए अभी से वक्त। तभी वो जॉन को भेज देता है और जॉन एज यूजली मोहन के पास जाता है। जब वो मोहन के पास पहुंचता है तो मोहन ऑलरेडी सारा फ्लोर खाली कर चुकी थी, फर्स्ट फ्लोर खाली हो गया था, उसने सारे वैम्पायर की बॉडी में इंजेक्शन लगाए थे और इंजेक्शन लगाने के बाद लूका उन सबको खींचते हुए एक कॉर्नर में लिटा देता है और वेट करता है कि जैसे ही उन सारे इंजेक्शन का असर शुरू हो और ये लोग नॉर्मल ह्यूमन बन जाए तो इन सबको यहाँ से निकाल देगा। लूका इन सब का वेट करता है, तभी मोहन जो है नोट करती है जॉन उसकी तरफ आता है। जॉन आकर अपने हाथों को ग्रैप करते हुए स्माइल करते हुए मोहन को देखता है और कहता है आ माय स्ट्रांग लेडी, मैं तो शुरू से ही फ़ैन था, ऊपर से इन सबको मारकर मुझे और फैन बना दिया, पता है ये लोग कितने लोग हैं, तकरीबन 300 सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग ने रखे हुए थे कि वो आप सबको रोक सके, बट आपने तो 15 से 20 मिनट में इन सब का तो हाल बुरा कर दिया। बट ये सब करके आपने मेरा दिल जीत लिया मान, आई रियली लव यू, आई लव यू मोर, ये कहते हुए वो स्माइल करके बस कुछ और बोलने वाला था। इससे पहले मोहन अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए जॉन के गले से पकड़ उसे दीवार के साथ लगा देती है। जॉन स्माइल करते हुए कहता है प्लीज़ मोहन कंट्रोल योरसेल्फ, अभी सिर्फ तुम स्ट्रांग नहीं हो मैं भी सुपर स्ट्रांग हूँ। फिर वो एक किक मारकर मोहन को पीछे कर देता है। मोहन और जॉन में काफ़ी स्ट्रांग फाइट होती है और तभी लूका देखते हैं कि मोहन कमज़ोर पड़ रही है, जॉन ज़्यादा स्ट्रांग है, तभी उसकी हेल्प करने के जाने का सोचता है और आकर वो जल्दी से जॉन के गले से पकड़ लेता है पीछे से आकर, पर जॉन काफ़ी स्ट्रांग था, सिर्फ उसने अपने एक ही हाथ से उसको पीछे से उठाकर हवा में उड़ाते हुए दूर दीवार के साथ फेंक दिया। मोहन ये देख कर अगेन जॉन पर हमला करती है और उस इंजेक्शन को उसकी बॉडी में एंटर करने वाली होती है, बट मोहन जो है अपना जैसे हाथ बढ़ाती है जॉन उसको पकड़ लेता है और उसे रोक रखता है और कहता है मोहन आप इतनी स्ट्रांग नहीं हो तो प्लीज़ क्यों ट्राई कर रहे हो, अच्छा ऐसा करते हैं हम लोग गेम कंटिन्यू करते हैं, आप सेकंड फ्लोर पर आओ बट मैं यहाँ से चला जाऊँगा जब आप मुझे वो मैजिक बॉल दे दोगे, आप मुझे मैजिक बॉल दे दो मैं इस वक्त यहाँ से चला जाता हूँ और फिर आप सेकंड फ्लोर पर आना, फिर थर्ड पर आना और अपने फ्रेंड्स को ले जाना। स्माइल करते हुए वो बस ये मोहन का हाथ पकड़े उसे रोके हुए और एक हाथ से उसका गला पकड़े हुए बोलता है। मोहन ने भी एक हाथ से उसका गला और दूसरे हाथ से वो इंजेक्शन हाथ में पकड़े हुए उसकी बॉडी में इंजेक्ट करना चाह रही थी जिसे वो रोके हुआ था, तभी वो छोड़ देती है और कहती है ठीक है हम लोग एक डील करते हैं, मैं मैजिक बॉल आपको दूंगी, आप मेरे सारे फ्रेंड्स को अभी से वक्त मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दो। तभी जॉन कहता है फ्रेंड्स की बहुत फिक्र है बट क्या आप जानती हो कि हम लोग इस मैजिक बॉल का क्या यूज़ करेंगे। तभी वो स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है, कहता है प्लीज़ ये बात मत कहने के आपको नहीं पता, आपको तो हर चीज़ पता है तो इस बार ये जानकर कोई सरप्राइज हो आपको तो फौरन आंसर देना चाहिए। तभी मोहन जो है कंटिन्यू सिर्फ जॉन की तरफ देख रही थी और अपने बैग से वो बैग हाथ में लेती है और उस मैजिक बॉल को निकाल कर उस मैजिक बॉल की तरफ और मोहन जॉन की तरफ देखती है। मैजिक बॉल इस वक्त शाइन कर रहा था,
और वो इसमें अपनी फुल स्ट्रेंथ को शो कर रहा था, और दूसरी तरफ जो जॉन है वो स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कहता है ठीक है डील करते हैं, डील क्लोज करते हैं, आप ये मैजिक बोल दो और मैं आपके सारे फ्रेंड्स को अभी से वक्त यहाँ ले आता हूँ। तभी मोहन मैजिक बॉल को पीछे करके कहती है, नहीं मैं पहले मैजिक बॉल नहीं दूंगी, आप अभी से वक्त मेरे सारे फ्रेंड्स को यहाँ पर लेकर आओ और मैं फिर ही कुछ सोचूंगी इस बारे में। तभी जॉन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ जानती हूँ, मैं जानती हूँ आप लोग बिना उन सबको देखे नहीं मानोगी, डोंट वरी मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, मेरे कुछ वर्कर्स उनको लेकर आ रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि अपस्टेयर्स से वो उन सबको पकड़ के लेकर आ रहे थे। तभी वो शॉक्ड होता है और कहता है, जॉन और तो आप लोग ऑलरेडी अपने आप को फ्री कर चुके हो, क्योंकि उनके साथ कोई वर्कर नहीं था, वो खुद ही नीचे आ रहे थे फर्स्ट फ्लोर तक। जब से वो थर्ड फ्लोर से निकलते हैं तो सेकेंड फ्लोर से वैम्पायर थे, तो उनकी सेफ्टी के लिए उनको उन वर्कर के साथ ही आना था, बट जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो सारे दोनों उन वर्कर्स को हमला करके जो उनके पास थी चीज़ें उनको मार देते हैं और जल्दी से आकर मोहन के पीछे खड़े हो जाते हैं। मोहन स्माइल करते हुए सबको देखती है और कहती है, आप सब ठीक हो ना, आप सबको कुछ हुआ तो नहीं? सरप्राइजली वो उन सबको देखती है और उन सबको हक करती है। दो दिन में भूखे रहने की वजह से इनका ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। तभी जॉन कहता है, आपकी टीम मोहन की टीम ही है, ये भी हार नहीं मानते, कितनी मुश्किल से इन पर्सन को लालच देकर लॉन्ग लाइफ का वैम्पायर बनाते हैं और 2 मिनट भी नहीं लगाया तुम्हारी टीम ने इन 10 के 10 वैम्पायर को मारने में। तभी मोहन स्माइल करते हुए कहती है, मेरी टीम है, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम सब पर मेरा ही असर होगा। तभी जॉन कहता है, ठीक है जो भी है मुझे ये बॉल चाहिए, अभी से मुझे बॉल दो और यहाँ से चले जाओ। तभी मोहन स्माइल करते हुए बॉल को पीछे करती है और कहती है, प्लीज़ अभी आप ये मत सोचना कि मैं ये सच में आपको देने वाली हूँ, मैं बस चाहती थी कि ये सब मुझे मिल जाए, अभी आप कुछ नहीं कर सकते इन सबको मुझसे लेने के लिए। तभी जो है मोहन उसको डिस्ट्रैक्ट करती है जॉन को अपनी तरफ, और पीछे से जो लूका है वो उसकी बॉडी में इंजेक्शन को ज़ोर से हिट कर देता है, वो इंजेक्शन उसकी बॉडी में एंटर हो चुका था और इंजेक्शन लगते ही जॉन भी ज़मीन पर गिर जाता है। तभी फ़ौरन से स्माइल करते हुए मोहन जो है फ्रेंड की तरफ टर्न करती है और उन सबको हक करती है और लूका से कहती है कि अभी से वक्त इन सबको लेकर चल जाओ। सेकेंड फ्लोर से गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, मतलब वो सारे वैम्पायर अब फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे थे। तभी जो है मोहन जल्दी से इन सबको कहती है, अभी से वक्त भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई और वैम्पायर यहाँ पर आकर आप पर हमला करें। तभी सब कहते हैं कि नहीं हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे और मोहन को आकर हक करते हैं। मोहन उन सबको हक करते हुए टेलीपोर्ट होती है और उस फैक्ट्री में जाकर एक छोटा सा उसमें रूम बनाया था जहाँ पर उन सबको कैद कर देती है और कहती है, जब तक मैं यहाँ नहीं आती तब तक आप सब यहीं रहोगे। उन सबको उसी हालत में उस छोटे रूम में टेलीपोर्ट करने के बाद वापस से अपने आप को टेलीपोर्ट करती है उसी कासल में लूका के पास। तभी वो लूका से कहती है, लूका मेरी बात माने आप ही यहाँ से चले जाएं। और उन सबको उसी फैक्ट्री में टेलीपोर्ट करती है जहाँ पर एक छोटा सा रूम था, आप सब उनके पास ही चले जाओ और उनके जाके ध्यान रखना, इनकेस मैं नहीं जानती कि आज यहाँ क्या होगा, बट जो भी होगा यू प्रोमिस मी अगर मैं ना आ सकी और ये जॉन जो है और ली जो है अपने मकसद में कामयाब हो गए तो आप मेरे फ्रेंड्स का ख्याल करोगे। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ के उसको भी फ़ौरन से टेलीपोर्ट करती है। ये असल में मोहन का प्लान था कि वो उन सबको टेलीपोर्ट कर देगी और खुद जाकर उनसे मुकाबला करेगी, और वो डिस्ट्रैक्ट करते हुए ये काम लूका के साथ भी करती है। वो जानती थी कि लूका से कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए वो लूका के साथ ऐसा प्लान करती है और उसे भी टेलीपोर्ट कर देती है उसी रूम में। टेलीपोर्ट होते साथ ही वो जल्दी से उसको धक्का मारकर अगेन टेलीपोर्ट हो जाती है। वो जो है लूका उसके फ्रेंड के पास जाके गिरता है। मोहन ने जब उन सबको टेलीपोर्ट किया था तो वो सब डिसअपॉइंट होकर एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो अगेन टेलीपोर्ट होकर आती है तो वो लूका को उन सब पर फेंकती है।
वो सब लुका को पकड़ लेते हैं, पर जब तक वो मोन के पास आते, मोन अगेन टेलीपोर्ट हो चुकी थी। मोन जाने से पहले उन सबको एक बार देखती है और एक डीप स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारा एपिसोड कंप्लीट होता है। मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, और वैसे भी फाइनल एपिसोड है तो थोड़ा सा ट्विस्ट तो ऐड करना ही था। जैसे कि ये फर्स्ट फ्लोर का पार्ट वन बनाया फाइट सीन, अभी तो सेकंड फ्लोर और स्पेशली वो हाइब्रिड वैम्पायर जो ली ने बनाया था अपनी लैब में, अभी उसके साथ भी मुकाबला होना बाकी है। और आखिर में मॉन जो है जॉन और ली के साथ क्या करेगी, ये सब जानेंगे हम लोग हमारे फाइनल एपिसोड 12 पार्ट 2 में। ऑल राइट, तब तक बस मेरे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। बहुत जल्दी एक न्यू सीरीज़ के साथ भी मिलूंगी फाइनल एपिसोड कंप्लीट करने के बाद। ऑल राइट, बाय बाय।